लास्ट एग्जाम है, पर अभी टेंशन भी है क्योंकि एग्जाम देने अभी मैं जा रही हूँ। यार पेपर हो गया ख़त्म और अभी निकले हैं यूनिवर्सिटी से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा वो आज मेरा लास्ट पेपर था, शुक्र है कहीं पेपर ख़त्म हुए हैं। इसी से प्रॉब्लम होती है, गर्मी तो लगनी है, एसी चलाने देती है मैडम। हाँ यार एसी से प्रॉब्लम होती है, सच में होती है। अच्छा तो पेपर हो गए हैं अब ख़त्म, शुक्र है कहीं टेंशन ख़त्म हुई है। आज का पेपर जो था यार, आज के पेपर में ना सब चीटिंग कर रहे थे, बताया आपको, आज ना एग्ज़ाम में सब चीटिंग कर रहे थे। अभी तक जो 4 एग्ज़ाम हुए ना, तो किसी की हिलने की भी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल उन्होंने स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी। लेकिन जो आज का एग्ज़ाम था ना, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे आगे पीछे से। मेरे जो पीछे वाले डेस्क थे ना, उनमें तो कोई बैठा ही नहीं था, और आगे एक लड़की थी, तो मैंने उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया। यार चीटिंग करने की हिम्मत ना आज तक नहीं पड़ी है, कभी भी नहीं। और हाँ अगर क्लास टेस्ट वगैरह होता था, अगर आता नहीं था, फ्रेंड्स वगैरह बता देते थे, लेकिन पेपर में कभी भी चीटिंग नहीं किया है। एक बार मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था यार, मैंने सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन लिखी थी, वो भी हैंड पे लर्न, सुबह लर्न करते करते ही। तो हुआ ये कि वो मेरे हाथ पे ही लिखी रह गई, और जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में गई तो टीचर ने देख ली, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही टीचर ने देख लिया उसको, तो और सारे हॉल के सामने मुझे बोला ये क्या है, जाके इसको वॉश करके आओ। तो इतना इंसल्टेड फील हुआ। तो वैसे भी उसके बाद ना ही मैंने कभी किसी से एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, वो भी पूछने की कभी हिम्मत नहीं की। और आज तो वैसे भी चांस था कि मैं पूछ सकती थी, पर मैंने नहीं पूछा यार, जितना आता था कर लिया। अब देखेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा ही आए, आई होप सो। तो आज से हो गए हम फ्री, और बस अभी हम वेट कर रहे हैं चीज़ों का, कुछ लेना है उनसे, उसके बाद हम जाएंगे मम्मा के घर पे।
सो गुड नाइट एवरीवन, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ फिर से इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।